बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में हर एक को उसके अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। फेरिस्त मौजूआत तफ़ीमुल क़ुरान जल्द चहरम उनवान आखिरत सफ़ा 266 सूरह यासीन आयत 54 फ़लियम वला तुज़लम नफ़सुन शय्यम वला तुज़ज़ौन इल्ला मा कुंतुम तामलून। आज किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे थे। आखिरत में हर एक को उसके अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। फेरिस्त मौजूआत तफ़ीमुल क़ुरान जल्द चहरम उनवान आखिरत सफ़ा 383 सूरह ज़ुमर आयत 70 वउफ़ियत कुल्लु नफ़्सिम मा अमिलत वहुवा आलमु बिमा यफ़अलून। और हर मुतनफ़िस को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। आखिरत में हर एक को उसके अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। फिर इसके मौजूआत तफ़ीमुल क़ुरान जल्द चहरम उनवान आखिरत सफ़ा 592 सूरह जासिया आयत 28 तरा कुल उम्मतिन जासिया कुल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल्यौम तुज़ौना मा कुंतुम तामलून। उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नाम आमाल देखे। उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। सफ़ा 613 सूरह अख़ाफ़ आयत 19 वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़िहुम आमालहुम वहुम ला युज़लमून। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके आमाल के लिहाज से हैं ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। उन पर जुल्म हरगिज़ ना किया जाएगा यानी ना अच्छे लोगों की नेकियां और कुर्बानियां ज़ाय होंगी और ना बुरे लोगों को उनकी बुराई से बढ़कर सज़ा दी जाएगी। नेक आदमी अगर अपने अजर से महरूम रह जाए या अपने हकीकी इस्तेहक़ाक़ से कम अजर पाए तो ये भी जुल्म है। और बुरा आदमी अपने किए की सज़ा ना पाए या जितना कुछ कसूर उसने किया है उससे ज़्यादा सज़ा पाए तो ये भी जुल्म है।